हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक मंडी भारी डिस्काउंट पर शुरू हो रही है सेल। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक कुर्ती एक के साथ एक फ्री, कोट पैंट शेरवानी पर 30% डिस्काउंट, सूट साड़ी गाउन ड्रेसेस अनस्टिच सूटिंग और शर्टिंग पर 50% डिस्काउंट, जे हैमस्टर ट्राउजर के साथ शर्ट फ्री, नुमैरो रेमंड कलर प्लस यूएस पोलो पार्क एवेन्यू डब्ल्यू और ऑरिया पर 30% डिस्काउंट। तो जल्दी आइए हैप्पी फैशन मॉल नेर चौक मंडी। मनाली की हलान पंचायत में इन दिनों ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी बारिश होते ही यहां सड़क पर बनाई गई पुलिया ब्लॉक हो जाती है और नाले का पानी सड़क पर बहना शुरू हो जाता है, जिस कारण सड़क की भी हालत खराब बनी हुई है। हालांकि ग्रामीणों ने इस बारे में पीडब्ल्यूडी को भी सूचना दी है, लेकिन आलम यह है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जिसके चलते ग्रामीणों में भी इस बात को लेकर खासा रोष है। स्थानीय ग्रामीण राजकुमार का कहना है कि सड़क पर पीडब्ल्यूडी द्वारा एक पुलिया का निर्माण किया गया है जो काफी कम ऊंचाई पर है। सड़क पर नाला बहने के कारण वह भी खराब हो चुकी है और यहां से वाहनों को गुजरना भी काफी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस रोड के बारे में थोड़ी सी बरसात हुई तो ये पानी जो पूरा सड़क से जाता है, क्यों जाता है, ये विभाग की लापरवाही के कारण है। दो पुलिया बनी, एक 2018 में बनी जब फ्लड आया था, एक बहुत पुरानी ही है। जो पुरानी पुल है वो बहुत नीची है और पानी थोड़ी सी बरसात होने के बाद वो पानी वहाँ जाम लग जाता है और रोड से बाई रोड जाता है और वहाँ पर नाले भी नहीं बनी हुई है। जो नई पुल है, साथ में टच नई पुल है, वहाँ इतनी कम जगह है कि कटिंग, बस की कटिंग या ट्रक की कटिंग नहीं हो सकती है, इसलिए उन्होंने मजबूरी में वो पुरानी पुल रखी है। अब आम दिन में भी अगर थोड़ी सी बरसात हो जाती है, वो पुली के ऊपर से पानी जो है रोड में जाता है और खड्डे खड्डे हो जाते हैं। कल रात को इतना पानी था, पूरा नाला ही, हलाल सेकंड का पूरा नाला ही उस रोड में जा रहा था और एक जिप्सी, और वो जिप्सी इमरजेंसी में निकाल रहे थे क्योंकि उसमें पेशर था, वो भी गिरते गिरते बच गए। भगवान का शुक्र है कि वहां पर पब्लिक थी, उन्होंने धक्का लगा के उस जिप्सी को किनारे कर दिया, अदरवाइज वहां पर दुर्घटना घट सकती है। विभाग की लापरवाही है। हम उम्मीद करते हैं विभाग से कि ये काम जल्द से जल्द ठीक हो। हालांकि आज मैं आया फिर वहां से, जेसीबी लगी हुई थी, लेकिन ये कितने दिन के लिए, मिट्टी ऊपर से डाल देते हैं, वो थोड़ी सी पानी आ जाता है, वो मिट्टी बह जाती है, फिर वही हाल। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मनाली से आशीष शर्मा के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट।